भोपाल में साइबर पुलिस ने पेट्रोल पंप डीलरशिप की फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा है कि मामले में 4 शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दिल्ली और मुंबई से गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जो बिहार से वारदात को अंजाम देता है। अब तक आरोपी मामले में 70 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। मैं आज बहुत सारी कंपनी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOC, भारत पेट्रोलियम या प्राइवेट कंपनी है, उनको भी पत्र लिखने जा रहा हूं कि उनकी भी जवाबदारी है कि वो देखें कि उनके नाम से, उनके ब्रांड का तो कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है और उनके नाम से कोई फर्जी वेबसाइट तो नहीं चल रही है। यदि ऐसा है तो हमें बताएं। तो ये हम एक्शन ले रहे हैं कि ये एक वेबसाइट क्रिएट करते थे, उसमें एक फॉर्म क्रिएट करते थे, उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन लोगों की ले लेते थे और फिर उसके बाद बल्क SMS के थ्रू लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते थे कि आपको पेट्रोल पंप आवंटन हो गया है तो आप ये इतनी फी जमा करें, इस अकाउंट पर जमा करें। तो जो वेब डेवलपर है हमने उसको पकड़ा है और उससे हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम डोमेन्स और जैसे सर बोल रहे हैं बैंक्स वगैरह, इन सबसे भी विस्तार में पूछताछ करेंगे और वो जिसका विषय है उसमें हम लोग फॉलोअप देंगे।